एमपी में लोकसभा चुनाव का आज आखिरी चरण है। बता दें कि सुबह से ही मतदान जारी है। वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में वोट डाला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार लोग सुबह से मतदान कर रहे हैं। रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान ने वोट डाला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश से रतलाम से बीजेपी प्रत्याशी हैं अनीता नागर सिंह, उन्होंने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है। उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने वोट डाला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आज एमपी में चौथे चरण का यह आखिरी मतदान हो रहा है। देवास से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी ने अपना वोट डाला। बीजेपी एमएलए ओम प्रकाश सक्सेना ने भी मतदान किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में आज आखिरी चरण में ये मतदान हो रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज ये चौथा चरण है और एमपी में ये आखिरी चरण है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आज अपने मतदान का प्रयोग किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार के साथ आज वोट डाला है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी मंदसौर में वोट डाला है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान डाला। बता दें कि अनीता नागर सिंह कांग्रेस बीजेपी से प्रत्याशी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रतलाम से बीजेपी प्रत्याशी है अनीता नागर सिंह चौहान, जिन्होंने अपना वोट डाला है। वहीं उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार भी अपना वोट डाला है। देवास से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी ने अपना वोट डाला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश से जहां बीजेपी एमएलए ओम प्रकाश सकलेचा ने भी अपना मतदान किया है। एमपी में लोकसभा चुनाव का आज ये आखिरी चरण है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। एमपी में लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है और आज सीएम मोहन यादव ने भी उज्जैन में अपना वोट डाला है। सीएम मोहन यादव की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो मतदान केंद्र पहुंचे और वहां अपने मतदान का प्रयोग करते हुए नजर आए। बता दें कि उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था और सभी ने आज मतदान किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आज एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर यह आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। ये मतदान स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार सुबह से मतदान जारी है। वहीं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उज्जैन में अपने मतदान का प्रयोग किया है। बता दें कि वो परिवार के साथ पहुंचे और वहां वोट डालते हुए नजर आए। साथ ही उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने भी अपना वोट डाला है। देवास से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी ने अपना वोट डाला। ये एमपी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर सीएम मोहन यादव आज वोट डालते हुए नजर आए। उनके साथ बीजेपी एमएलए ओम प्रकाश सकलेचा ने भी आज अपने मतदान का प्रयोग किया है। बता दें कि एमपी में लोकसभा चुनाव का ये आखिरी चरण है, आज सुबह से ही मतदान जारी है।